हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट MBBS और BDS के कॉलेजेस हैं, उन सब की कॉलेज वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रही थी और इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। राउंड वाइज प्लस कैटेगरी वाइज पूरा देखेंगे, यानी फर्स्ट राउंड में क्या रही थी, सेकेंड राउंड में क्या और मॉपअप राउंड में क्या कट ऑफ रही थी कॉलेज वाइज गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाई थी, पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं 300+ कॉलेजेस की मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही थी लास्ट ईयर और इस साल के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उस पर वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने सभी की PDF आपको शेयर की थी कॉलेज वाइज कट ऑफ की लास्ट ईयर क्या रही थी पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस थे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रही थी, और जो मैंने UP की MBBS की कट ऑफ की वीडियो बनाई थी कॉलेज वाइज, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि MP के जितने भी कॉलेज हैं उनकी भी कॉलेज वाइज कट ऑफ की वीडियो बनाई जाए। तो काफ़ी क्वेरीज थी, इस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। अब बाकी अगर अदर स्टेट की भी क्वेरी ऐसी रहती है तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा तो अदर स्टेट की भी बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड है मध्य प्रदेश का MBBS BDS कोर्स के लिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी उसकी बात करें, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है। सबसे पहले मैं जो अलग अलग कॉलम्स हैं, हर कॉलम का मतलब आपको बता देता हूँ कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कॉलेज में है जो इंस्टीट्यूट का कोड है, दूसरे में इंस्टीट्यूट टाइप है यानी जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तीसरे में कॉलेज का नाम है, फिर उससे आगे कोर्स यानी MBBS का या BDS का, उसके आगे ओपनिंग AI रैंक, ये है नीट की ऑफिशियल जो ऑल इंडिया रैंक है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही देखना है। ये है ओपनिंग रैंक, आपको ओपनिंग नहीं देखनी है। क्या देखना है आपको, देखनी है क्लोजिंग रैंक। क्लोजिंग रैंक का मतलब क्या होता है, उस कॉलेज में उस कैटेगरी से लास्ट सीट किस ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर मिली थी, ठीक है। और इसके आसपास अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है जो मैं यहाँ पर बताऊंगा अलग अलग कॉलेजेस की, तो आप उस कॉलेज के लिए उस रैंक पर सेफ मान सकते हैं अपनी कैटेगरी से उस राउंड में, क्योंकि अलग अलग राउंड का ही बताऊंगा, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, मॉपअप राउंड में, उन सब का। तो अगर कोई कैटेगरी से पर्टिकुलर कॉलेज आपका उससे मैच करता है या उसके आसपास ऑल इंडिया रैंक आती है, 100-200 ऑल इंडिया रैंक आगे पीछे का मतलब नहीं होता है, अगर उसके आसपास है तो आप सेफ रह सकते हैं कि 100% आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। आगे जो है आपकी ये नीट के AISC कोड, मतलब जो आपकी स्टेट की रैंक बनेगी, ये अभी आपके पास होगी नहीं तो इससे आपको अंदाजा लगेगा नहीं, आपको सिर्फ नीट रैंक देखनी है क्लोजिंग वाली। आगे इसके मार्क्स भी लिखे होंगे, हालांकि इस PDF में नहीं है, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें लिखा रहता है। फिर उसके आगे यहाँ पर जो है वो है कैटेगरी रैंक, यानी आपकी कैटेगरी क्या थी, इसमें आपको अपनी अपनी कैटेगरी देखनी होगी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको चेक करना होगा अलग अलग कॉलेज का। मैं अभी पूरा बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। टोटल अलॉटेड यहाँ पर जो वो लिखा हुआ, फिर उसके बाद आप MP के डोमिसाइल हैं या नहीं ये आपको देखना। मेन आपको क्या ध्यान देना है, पहला इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है या प्राइवेट, दूसरा कॉलेज का नेम, तीसरा आपको क्लोजिंग रैंक देखनी है, और फिर आपको अपनी कैटेगरी देखनी है जो भी आपकी कैटेगरी है। अब अलग अलग कैटेगरीज का क्या मतलब है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो EWS का तो मतलब आपको पता ही होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। FF का मतलब है फ्रीडम फाइटर, OP का मतलब होता है ओपन। इसी तरह से EWS के अंदर ही दूसरी कैटेगरी है EWS, GS, ओपन। OP का मतलब हो गया ओपन और GS का मतलब गवर्नमेंट सर्विस। उसी तरह से अगला है EWS SNOP, यानी EWS ओपन में यहाँ पर है SN, या तो ये स्पोर्ट्स का कैटेगरी है या फिर NCC का। फिर अगला यानी जनरल EWS से, अगर सिर्फ प्लेन EWS ओपन है तो उसकी क्या कैटेगरी रैंक रही थी। तो इस तरीके से OBC में भी यही चार कैटेगरी होंगी, SC में भी यही कैटेगरी होंगी, फिर ST में भी, क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी है, और उनकी भी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ किस कॉलेज में रही थी वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद कैसे चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला कॉलेज देख सकते हैं आप, वो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा, MBBS का कोर्स है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 9,89,773 ऑल इंडिया रैंक पर जो है यहाँ पर सीट में लगी थी EWS फ्रीडम फाइटर की। और उसी तरह से जो अगला है EWS गवर्नमेंट सर्विस की, 94,491 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर सीट मिल गई थी। और फिर जो अगला है वो है EWS ओपन से अगर बात की जाए तो 43,641 यानी 43,641 ऑल इंडिया रैंक पर आपको सीट मिल गई थी। इसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक का तो 100% सेफ मानेंगे, बाकी इससे थोड़ी अगर आपकी ज़्यादा भी हो तो आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेज मिले, क्योंकि हर साल जो है थोड़ा चेंजेस आता है। उसी तरह से जो है आप अगला OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट देखेंगे, OBC फ्रीडम फाइटर गवर्नमेंट सर्विस, PH का मतलब क्या होता है, फिजिकली हैंडीकैप, SN स्पोर्ट्स या NCC वाला है, और फिर जनरल OBC से। तो हर कॉलेज का आप यहाँ पर जो है चेक करेंगे, ये फर्स्ट राउंड का डेटा। उसी तरह से अदर राउंड्स की भी आपको PDF दिखाऊंगा। विदिशा का आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं आप इसका देख लें। फिर अगला कॉलेज है वो है शहदोल, जिस भी कैटेगरी के यहाँ से देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं एक एक सेपरेट तो पढ़ नहीं सकता और सब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
आपके आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो पूरी PDF है फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की और मॉपअप राउंड की, कॉलेज वाइज कट ऑफ की, MBBS और BDS सभी की टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से जाकर जो है टेलीग्राम पर इन PDF से अपना चेक कर सकते हैं। जैसी वीडियो कंप्लीट होगी मैं जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगला जो कॉलेज है वहां पर ये है छिंदवाड़ा, आप इसकी भी यहां से चेक कर सकते हैं। फिर अगला है ग्वालियर, गुजरात मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, ये अभी पूरा MBBS वाला चल रहा है और गवर्नमेंट कॉलेजेस चल रहे हैं, साथ के साथ आप देख भी सकते हैं कौन सा कॉलेज चल रहा है। फिर अगला गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसका भी आप यहाँ से जिस भी कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी में मैंने बताया ना, हर कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज हैं, तो आप अपनी सब कैटेगरी के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसी तरह से अगला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दातिया, इसका आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलम, इसका यहाँ से देख सकते हैं। रैंक्स वगैरह देख के तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मध्य प्रदेश में काफ़ी कम पे भी मिला है, नॉर्मल मतलब ऑल इंडिया हिसाब रैंक के हिसाब से देखेंगे तो अदर स्टेट में इतने पर नहीं मिलता है, पहली बार मैं इसको एनालाइज़ किया था रतलम का यहाँ पर। फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, इसका अभी सारे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज चल रहे हैं। फिर उसके बाद महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर वाला, उसके आप यहाँ से देखेंगे डिटेल में, जिस भी कैटेगरी के हैं वहाँ से देख सकते हैं। फिर अगला है खंडवा, फिर अगला आ जाता है जबलपुर, फिर उसके बाद शिवपुरी, उसके बाद रेवा, उसके बाद डेंटिस्ट्री यहाँ पर शुरू हो गया। देखो गवर्नमेंट के MBBS कंप्लीट होने के बाद जो BDS थे, यहाँ पर BDS आपको दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर वाला, इसके आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप देखेंगे। इसके आसपास अगर क्लोजिंग रैंक है, मैंने बताया था ना जो यहाँ पर थर्ड वाला कॉलम यही है, ये है क्लोजिंग रैंक, तो उसके आसपास है तो आपको मिल जाएगा। अगला प्राइवेट जो MBBS का कॉलेज यहाँ पर शुरू हो गया, देखो देवास के अंदर अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी से जो आप बिलोंग करते होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब प्राइवेट के MBBS शुरू हो गए, चिराव मेडिकल कॉलेज भोपाल, फिर उसके बाद इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर, फिर उसके बाद LN मेडिकल कॉलेज भोपाल, अगला LN सिटी इंदौर, फिर अगला महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भोपाल, और फिर उसके बाद पीपल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल के अंदर, और फिर अगला कॉलेज रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर, ये भी आप यहाँ से जिस भी कैटेगरी के हों देख सकते हैं। RD गर्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन के अंदर, फिर ये सारे प्राइवेट के MBBS चल रहे हैं। RKDF मेडिकल कॉलेज, फिर उसके बाद श्री औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंदौर के अंदर, उसी तरह से अगला जबलपुर वाला, यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के होंगे यहाँ से आप चेक करेंगे पूरा। फिर उसके बाद इंदौर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज प्राइवेट BDS यहाँ से शुरू हो गया है, भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज भोपाल, और फिर उसके बाद ये कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड हॉस्पिटल राव इंदौर के अंदर, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जबलपुर इंदौर ग्वालियर, अलग अलग कॉलेज का मतलब पूरे जितने भी कॉलेज हैं उन सबकी ये पूरी PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ये फर्स्ट राउंड का यहाँ पर डाटा है, उसी तरह से जो अदर राउंड्स का है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड, और ये पूरी PDF जो है तीनों की तीनों आपको ग्रुप पर मिल जाएंगी। और उसके बाद आपकी कोई क्वेरी बचती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं उसको ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो जिस तरह से फर्स्ट राउंड का भी दिखाया था उस तरह से ये मॉपअप यानी थर्ड राउंड की कट ऑफ है अलग अलग कॉलेज में। अब इसमें हो सकता है कि हर कॉलेज में जैसे हर कैटेगरी के अंदर चार चार सब कैटेगरी थी, सब में अलॉटमेंट नहीं हुआ हो, उसकी वजह ये होगी कि जिस कैटेगरी में जितनी सीट्स वैकेंट होंगी जिस कैटेगरी की उसी में अलॉटमेंट हुआ होगा, तो ज़रूरी नहीं है सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो जिस भी कॉलेज में सीट बची होंगी चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। टोटल जैसे यहाँ से पेज से पता लग रहा होगा, इस पूरी PDF में 3 पेजेस हैं, तो मोस्टली जो अलॉटमेंट हो फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में हो जाते हैं, उसके बाद जो है टोटल आप देखेंगे तो इन सभी कैटेगरीज़ का यहाँ से चेक कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड, राउंड वाइज ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलने के आपके आइडिया हैं या चांसेस हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।